लेकिन अगर ये माल हमारा लूट रहे पुलिस की सुरक्षा में तो हम इनके खिलाफ केस करेंगे, जो कि पुलिस ने माना है कि हमारे शिकायतों को वो लेंगे, अभी हमारा केस दर्ज करेंगे। सर वो क्लेम कर रहा है कि उसका माल है, आप दे दो किसी घर में की बात जो भी है, जो भी है, आप जो भी सामान उठाए हो। साथियों जिंदाबाद, हम इस समय मौजूद हैं वापस लिंक रोड में, और आज भी एमसीडी ने अचानक ही यहाँ पे रेड शुरू कर दी। एनएचएफ की टीम यहाँ मौजूद नहीं थी, अचानक हमें सूचना मिली और हम एक मीटिंग में थे, उसके बाद दौड़ के हम लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद एमसीडी के ट्रक को घेरा गया। पिछले एक घंटे से एमसीडी के ट्रक को यहाँ पे घेर के रखा हुआ है सभी लोग, यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स ने। आखिर जो है एमसीडी को भी यहाँ घुटने टेकने पड़े हैं अपने, और किसी एक वेंडर का माल उठाया था और अब इनको माल गिनती करके सीजर मेमो बना के देना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि कानून कहता है देना पड़ेगा इनको। आप ही देखिए कितनी फोर्स बुला रखी है एमसीडी ने अपने साथ, जैसे ये कोई आतंकवादी हो। ये देखिए संदीप भाई, वीडियो लाइव चल रहा है, बताइए क्या स्थिति है यहाँ पे अभी? यहाँ दुकानें लगाई गई, पुलिस ने अच्छी तरीके से हमारे कानूनी अधिकार को समझा माना। ये जब कल परसों हमने यहाँ पे लगाया था, हमने एक ही डिमांड किया कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इनके पास आदेश है, कहीं भी कुछ भी हुआ है, जिसके आधार पे ये सभी ऑथराइज वेंडर को हटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, तो उसका एक छोटा सा पेपर ले आए। लेकिन आज एमसीडी फिर से यहाँ पे आई है, इनके पास एक सादा सा पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये पूरा माल ये ऑथराइज तरीके से लूट के लेके जा रहे हैं, और इसके ऊपर हमारी पुलिस से बात हो गई है। पुलिस मजबूर है अपने जगह पे, क्योंकि पुलिस को इन्होंने लेटर दिया है कि साथ में इनको फोर्स दिया जाए, तो पुलिस को इस समय इनके गाड़ी की सुरक्षा करना और इनकी सुरक्षा करना पुलिस की मजबूरी है, ऐसा पुलिस हमको बता रही है। तो देखिए किस तरीके से सरासर लूट की जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स के माल के साथ, और कानून का गला घोटा जा रहा है आए दिन। कल और परसों नेशनल वर्कर फेडरेशन की टीम यहाँ मौजूद थी, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी का माल छेड़ने की, ना एमसीडी ना पुलिस। आज इन्होंने उनका अपना वेंडिंग सर्टिफिकेट उनके हाथ में है, और यहाँ पर पुलिस के जवान बहुत सारे खड़े हुए हैं। पुलिस के जवानों से कहा गया कि यहाँ इनको हटाया जाए, मगर पुलिस को पता है, पुलिस हमें पूरा कोऑपरेट कर रही है, और पुलिस को पता है कि इनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है। देखिए मैं दिखाता हूँ कि आपके सामने ये देश के वीर, देश के जवान हमारे साथ हैं, यहाँ खड़े हैं, और एमसीडी पूरा इनको बरगला के लेके आई है, और इनको कहा गया है कि इनको हटाया जाए, जबकि इनके पास सारा वेंडिंग सर्टिफिकेट, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी यहाँ इनका माल उठाया जा रहा है। एनएचएफ की टीम यहाँ पहुँच चुकी है, पूरा साथ दे रही है, और आज ये लिंक रोड लाल किले के सामने, मैं आपको दिखाऊंगा कि लाल किला सामने है, उसी के साथ ये सटा हुआ एक रोड है, रोड के साथ ही ये लिंक रोड है। ये लिंक रोड पर ये लोग जो हैं अपनी वेंडिंग करते हैं, उसके बावजूद इनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसके बावजूद इनका माल उठाया जा रहा है। अली साहब बहुत मेहनत करते हैं, और हैदर अली साहब कह रहे हैं कि एमसीडी जो कर रही है वो गलत कर रही है, एमसीडी चोरी कर रही है, चोरी से माल ले जा रही है, कोई सर्टिफिकेट कोई कागज नहीं दे रही है। अब जो इनकी डिमांड है, जितने भी ये वेंडर बैठे हैं और ये खड़े हैं, इनकी डिमांड है कि हमें नोटिस दिया जाए, नोटिस देने के बाद यहाँ से हटाया जाए, कागज नहीं दिए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बता भी रहा हूँ साथ ही साथ।
और उसके आधार पर वो एमसीडी से भी जवाब मांगेंगे और आगे आने वाली जितने भी मीटिंग्स या जो कुछ भी वहाँ पर भी बात करेंगे। इसी आधार पे हम मीटिंग्स और उस पर नहीं रुकेंगे, हम इसके आधार पे और पुलिस को जो लेटर मिला है एमसीडी की तरफ से कार्रवाई करने का, उस लेटर में कहाँ लिखा है कि स्ट्रीट वेंडर को हटाना है, ये देखने के बाद हम इसके ऊपर भी केस करेंगे। तो एमसीडी अभी सीजर मेमो दे रही है? हाँ, सीजर मेमो के बिना तो हम माल नहीं लेके जाने देंगे। ये सरासर लूट कर रहे थे, हमारा माल कौन क्या लेके जा रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आज भी ऐसा ही कर रहे थे। आज भी पुलिस को जब हमने ये बोला, पुलिस को हमारी ये जेन्युइन डिमांड समझ में आई, पुलिस ने इनके ऊपर दबाव डाला है तो ये मजबूरी में सीजर मेमो दे रहे हैं। नहीं तो इनकी मंशा हर समय हर वक्त हर पल यही होती है कि आए जोर जबरदस्ती करे, गुंडागर्दी करे और माल उठा करके लुटेरों की तरह ये माल उठाते हैं, ट्रक में डालते हैं और भाग जाते हैं। ये प्रक्रिया इस देश में, आज़ाद भारत में ऐसी गैर कानूनी प्रक्रिया, ऐसा घटियापंथी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम पूरी तरीके से इसका विरोध आज किया है, कल करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि ये अन्यायपूर्ण रवैया या अन्यायपूर्ण कार्रवाई बंद नहीं होती है। अचानक ही प्लानिंग करके यह धावा बोला है, पूरी फोर्स लेके आए हैं ये लोग, और पूरी इनकी मंशा थी कि सभी का माल उठाया जाए। बस अच्छी बात यह है कि मैं और संदीप समय पर यहाँ पहुँच गए, हम लोग एक मीटिंग में थे, उसके बाद भी मीटिंग छोड़ के हम लोग यहाँ भाग के आए हैं, और उसके बाद सभी का माल बच गया, सिर्फ एक ही आदमी का माल उठा था जिसका सीजर मेमो अब इनको बना के देना पड़ा है 1 घंटा इनकी गाड़ी रोकने के बाद।